हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि गैंग्लियनिक सिस्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जो कि बेस्ट काम करती है, और गैंग्लियनिक सिस्ट क्या होती है और इसके काज क्या हैं और इसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो गैंग्लियनिक सिस्ट क्या होता है? ये ट्यूमर होता है मेनली, और खास करके ये रिस्ट यानी कलाई के ज्वाइंट पे पाया जाता है, यानी गैंग्लियनिक सिस्ट ज्वाइंट पे पाया जाता है और मेनली ये रिस्ट ज्वाइंट पे पाया जाता है। और ये नॉन कैंसरस होती है, यानी कैंसरस नहीं होती है, और ये कलाई के यानी रिस्ट के टेंडन पे या ज्वाइंट पे पाया जाता है, और ये मोस्टली हार्ड होती है और कभी कभी स्पंजी भी होती है किसी किसी केस में। तो अब देखते हैं इसमें काज की बात करें तो इसमें कोई खास काज नहीं होता है, कोई विशेष काज नहीं होता है। और मेल फीमेल में देखें तो फीमेल के केस में यानी वोमेन के केस में मोस्टली होता है, और ये 20 से 40 ईयर के एज में ज़्यादातर गैंग्लियनिक सिस्ट होती है। और इसमें देखें तो इंजरी अगर कहीं पे किसी ज्वाइंट पे इंजरी हुई हो या इंजरी की हिस्ट्री मिलती है तो मोस्टली इंजरी वाले केस में ये गैंग्लियनिक सिस्ट बनती है। तो सिम्टम की बात करें तो मोस्टली ये ज्वाइंट पे पाया जाता है गैंग्लियनिक सिस्ट, यानी टेंडन के आसपास बनता है, और भी बॉडी में और जगह देखें तो ये एंकिल ज्वाइंट और पैर के ज्वाइंट पे ये बन जाते हैं गैंग्लियनिक सिस्ट। मोस्टली तो ये पेनलेस होते हैं लेकिन कभी कभी पेनफुल भी होते हैं। तो पेनफुल किस कंडीशन पे होते हैं? कभी कभी जो है सिस्ट से नर्व जो है प्रेस होने लगती है, यानी सिस्ट की वजह से नर्व दबने लगती है, उसकी वजह से फिर पेन होता है, वरना मोस्टली तो पेनलेस होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो इसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन है रूटा, जो कि 30 पावर में सुबह शाम तीन तीन चार चार बूंद ले लेने से ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो रूटा में देखते हैं कि अगर ये गैंग्लियनिक सिस्ट पेनफुल है, यानी पेन हो रही है और उसमें जो है स्टिफनेस बनी हुई है, बिल्कुल कड़ी लग रही है, तो वह ऐसे केसेस में रूटा मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है, और रूटा मेनली ज्वाइंट पे काम अच्छा करती है। दूसरी मेडिसिन इसमें कैल्केरिया फ्लोर होती है, जो कि बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो कैल्केरिया फ्लोर 6x पावर में चार चार गोली सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार ये दवा रेगुलर लिया जाए, और साथ में एक डायलूशन की मेडिसिन लिया जाए, तो गैंग्लियनिक सिस्ट थोड़ा दिन ले लेने से गैंग्लियनिक सिस्ट बिल्कुल से धीरे धीरे करके सही हो जाता है। और इसमें एक मेडिसिन होती है बेंजोइक एसिड 30 पावर में लेना है, और बेंजोइक एसिड में देखा यह गया है कि गैंग्लियनिक सिस्ट के साथ में अगर यूरिन में काफ़ी बदबू रहे पेशाब में, तो ये बेंजोइक एसिड मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है साइलिसिया 30 हफ्ते में एक बार लेनी है, और साइलिसिया में पसीना अगर गैंग्लियनिक सिस्ट के साथ में पसीना पेशेंट का बहुत ऑफेंसिव है, बहुत बदबूदार है, तो ऐसे केसेस में साइलिसिया 30 मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसमें अगली मेडिसिन होती है कैल्केरिया कार्ब में देखा गया है कि अगर फेयर फ्लेबी और फैटी, अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन फेयर है, फ्लेबी है और फैटी है, यानी थोड़ा से रंग साफ है और थुलथुल टाइप के हैं और मोटे हैं, तो और वेदर चेंज पे इनकी परेशानी बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में कैल्केरिया कार्ब 200 पावर में यूज़ की जाती है, और ये हफ्ते में एक बार लेना है। तो कैल्केरिया कार्ब हफ्ते में एक बार लेना है, और साथ में इसके फिर वो कैल्केरिया फ्लोर 6x चार चार गोली सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार ये लिया जाए, तो थोड़ा दिन ले लेने से ये जो गैंग्लियनिक सिस्ट की प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और
मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।